जीमा जी ये खाना बन गया क्या? जल्दी ले, भूख लग रही है। ले तो ये मेरे लिए एक कप चाय का बना दो और मेरा वीडियो बंडल रखा, मेरा सहना उठा के दे। भाभी मेरे लिए गरम पानी कर देना। हाँ कर दूंगी, कर रही हूं। बस बाबू चारा डाल देना, मुझे शहर जाना है। हाँ डाल दूंगी। भाभी मेरे लिए टिफिन लगा देना। भाभी मेरे लिए कपड़ों को प्रेस कर देना। ठीक है, मेरे लिए बैंगन का भरता बना देना। सब्जियों के 3 ऑर्डर पहले ही आ चुके हैं। एक ने बोला मुझे भिंडी की सब्जी खानी है, दूसरे ने मुझे दाल खानी है, तीसरे ने कहा मुझे आलू शिमला मिर्च की सब्जी खानी है। अब तुम्हारे लिए मैं बैंगन का भरता बनाऊं, तब तुम खाओ। खाना है तो वही खा लेना, वरना मत खाना। मम्मी मम्मी मेरी ड्रेस दे दो। आजा, तेरी कमी थी, इतनी बड़ी हो गई, तुझे इतनी अकल नहीं है, तुझे पता नहीं तेरी ड्रेस कहाँ रखी। चल यहाँ से, तू भी मुझे ही परेशान करे। बहू पानी तो देते है जी, बस ये मेरी चाय बनी नहीं बनी जी, ला रही हूं। हुआ या नहीं हुआ? बस वो चारा डाल दिया नहीं। मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी परिवार वाले मेरे काम से खुश नहीं है। ये बहू यो काम थोड़ा ही है, ये तो हमारी औरतों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी घर के सारे काम की जिम्मेदारी औरतों की है, क्या हम मर्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं? यही तो अत्याचार है। लेकिन बदलों को आना है सो आना है, फर्क इतना है कि कुछ लोग बढ़कर पहल करते हैं और कुछ लोग पीछे पीछे चलते हैं। औरतों को पढ़ने का अधिकार मिला, औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को सेना में जाने का अधिकार मिला, महिलाओं को धान लड़ने का अधिकार मिला। ये कौन लोग हैं जो पानी की धार को तलवार से काटना चाहते हैं, जो बहती हुई नदियों को बांधना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सूरज उनकी मर्जी से निकले? और अरुण भाई क्या बात है, आज बहुत चेहरा डाउन सा हो रहा है, क्या बात हुई? अरे रियासत भाई क्या बताऊं, मैं कल से घर में बड़ी कले है। क्या हुआ? अब कल की बात लो यार, सब्जी में थोड़ा नमक कम रहेगा। अच्छा, मैं इसी बात को लेकर थाली फेंक कर मार दी और पत्नी को पेट दिया और बच्चे भी दो वक्त अपनी माँ के साथ भूखे ही सो गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं किया? नहीं झगड़ा तो नहीं किया, इतना जरूर कहा कि कई बार गुस्सा मुझे भी आता है, क्या मैं पीट सकती हूँ, क्या मैं गाली दे सकती हूँ? भाई बात तो पते कही, तब से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है रे भाई। सोचता हूँ पत्नी से माफी मांग लूँ, पर यार शर्म आती है, लोग हंसेंगे। हम मर्दों के सामने यही समस्या है। अब मैं आपको बताऊँ, मेरी पत्नी बीमार है, सोचता हूँ दवाई ला करके दे दूँ, उसका माथा सहला दूँ, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सोचता हूँ उसके पैर दबा दूँ, पर घर वाले हंसेंगे, शर्म आती है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बीमारी में इतनी सेवा करी, उसे शर्म नहीं आई, तुम्हें शर्म आ रही है? यही तो अजीब मर्दानगी है जो इंसान को इंसानियत के काम करने पर शर्मिंदगा करती है। ना पत्नी की मदद कर सको, ना बच्चों को प्यार कर सको, ना बहन को आजादी दिला सको, जबकि मर्द भी इंसान ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं नाटक, चलो। हर 12 मिनट पर होती है महिला अपने पति और परिवार वालों की क्रूरता का शिकार। हर 60 मिनट पर होती है यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की वारदात। हर 34 मिनट पर होती है एक महिला बलात्कार का शिकार। हर 33 मिनट पर होती है एक दहेज हत्या। हर 33 मिनट पर होती है एक महिला या बच्ची अगवा। या तो दुनिया के बदलने का इंतजार करो जब तक कि तुम खुद ब खुद बदलने के लिए मजबूर ना हो जाओ, या खुद से शुरुआत करो या दुनिया को बदलने में साथ दो। ये दुनिया जीने के काबिल नहीं है। कौन सा रास्ता चुनेंगे? हम बदलना चाहेंगे, हम करेंगे शुरुआत। मैं भी। अरे बेटा ये कैसा फॉर्म है? अरे अंकल ये महिलाओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ हमारा अभियान है, मुमकिन है अभियान। हर वो शख्स जो खुद ये कसम लेता है कि वो ना कभी किसी महिला पर हिंसा करेगा और अपने 10 दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो महिलाओं पर हिंसा ना करे, इस अभियान से जुड़ सकता है। वो बदलाव लाने वाला साथी यानी चेंज मेकर कहलाएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ जी, तुम्हारे बाहर निकलने पर, नाटक करने पर, गीत गाने पर तुम्हारे पापा गुस्सा नहीं होते क्या? अरे अंकल मैं कोई चोरी कर रही हूँ क्या? भला नाटक करने, बाहर निकलने या गीत गाने पर कोई क्यों गुस्सा होगा? और मेरे पापा तो खुद चेंज मेकर हैं। अच्छा बेटा ये जो आपका अभियान है इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं? हजारों लाखों लोग रोज जुड़ रहे हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, छात्र, मजदूर, हर वर्ग हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। हम जल्द ही 50 लाख होने वाले हैं। अच्छा बेटा क्या आपने कार्यकर्ता से हमें भी जोड़ोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कल हमारे प्रोग्राम में आइए। आएंगे ना? हाँ जरूर आएंगे। आप बैठ कर कार्यक्रम देखिए। और से उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, और से उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला।
पसीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। अच्छा रियाजत भाई, चलो बस मैं आता हूँ। तो आप किधर? बस आज तो मैंने सोच लिया पत्नी को फूल देगा, माफी मांगी लूं। तो बस मैं भी आज और अभी पत्नी को दवाई लाकर दे ही दूं। भाई मैं भी अपनी लड़की के लिए किताबें आज ही लाकर दे दूं। तो चलो इकट्ठे चलते हैं। हाँ चलो इकट्ठे चलते हैं। आओ। हम सूरज को धरती पर तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने घरों के खिड़की और दरवाजे तो खोल सकते हैं ताकि धूप अंदर आ सके और हमारे घरों में फैलती हुई सीलन को सुखा सके। और ये मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। मुमकिन नहीं बिना खाए इंसान का जिंदा रहना, मुमकिन नहीं बिना काम किए इंसान का जिंदा रहना, मुमकिन नहीं बिना बोले इंसान का जिंदा रहना, पर मुमकिन है घर का खाना मिलजुल कर सब लोग बनाए, मुमकिन है काम का बोझ बस महिला पर ही ना आए, मुमकिन है मारपीट गाली गलौज का अंत तुरंत हो जाए, मुमकिन है महिलाओं पर होने वाली हर हिंसा का अंत, मुमकिन है अभियान हमारा मुमकिन है, मुमकिन है अभियान हमारा मुमकिन है। रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी, ये रीति रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी, हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी, हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी, कोई थामे हाथ किसी का और फिर उसी पे हाथ उठाए, अंधेर है ये अंधेर है, अन्याय है अन्याय, खामोश थे हम पर अब हमको खामोश नहीं रहना है, खामोश थे पर हमको खामोश नहीं रहना है, बस बहुत हुआ बस बहुत हुआ, अब जुल्म नहीं सहना है, अब जुल्म नहीं सहना है, अब जुल्म नहीं सहना है।